आप भाषण के दौरान कह रहे थे कई विदेशी ताकतें भी लगी हुई है नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पर। निश्चित तौर पर हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो पड़ोसी देश काफ़ी चिंतित है और इंडिया पर जो लोग अपना व्यापार चलाना चाहते हैं, इंडिया पर जो अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, वैसे लोगों को नरेंद्र मोदी लोकल फॉर वोकल का नारा देकर आज हमारा स्वदेशी मार्केट जो आगे बढ़ रहा है इससे काफ़ी लोग चिंतित है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है उस पर वो लोग कब्जा चाहते हैं और नरेंद्र मोदी उस कब्जा को हटाकर हम लोकल फॉर वोकल के तहत स्वदेशी नारा जो उन्होंने दिया है उसके तहत लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी हटे तो अब बाद में हम लोग दूसरा कोई भी रहेगा तो पहले जिस प्रकार से मनमाना लोग कर रहा था वैसा करने का प्रयास। और राहुल गांधी जी जातीय जनगणना और पिछड़ों का आरक्षण जो है 50% बढ़ाने का बात, राहुल गांधी किस जाति के हैं वो अपना बता दें कि उनका कॉलम कौन सा कॉलम में राहुल गांधी को रखा जाएगा। गठबंधन आप लोग का कितना मजबूत है और चुनाव बिल्कुल सामने आ गया, प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए गठबंधन जो मजबूत का बात बोले इसका आप लोग पहले भी देख लिए हैं कि इसी गठबंधन के बल पे पिछले बार हम लोग रिकॉर्ड मत थे, आज तक गिरिडीह लोकसभा में इतना वोट से कभी कोई प्रत्याशी सांसद का नहीं जीता, तो मजबूत गठबंधन का ही ताकत था कि इतने वोट से पिछले बार जीते हैं। और अभी उपचुनाव में भी देखें कि हम लोग कितना मजबूती से इस चुनाव को लड़े हैं और आज भी वो मजबूती बरकरार है। चुनाव अब नज़दीक है, हम लोग धुआंधार प्रचार चल रहा है, कार्यकर्ता गांव-गांव पे लगे हुए हैं, महिलाएं घर से निकल के प्रचार में लगी हुई है और हम लोग आश्वस्त हैं कि इस बार पिछले बार से भी ज़्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे। लेकिन इस बार एक नया चेहरा भी लोकसभा चुनाव में आ गया है युवाओं के बीच में और साथ में चुनाव प्रचार अगर प्रत्याशी कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं कहीं हुटिंग वगैरह भी हो रही है, सब लोग भी इस तरह भी आ रहे हैं? नहीं नहीं हुटिंग कहीं नहीं हुआ है, ये लोग सोशल मीडिया में तकनीकी का प्रयोग करके हवाई डेमो हवाई डाल के और होटिंग दिखा रहे हैं, ताकत है तो होटिंग करके देखे पता चल जाएगा, उससे कमज़ोर नहीं है भाजपा राष्ट्र का कार्यकर्ता, हमेशा उसको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और उसके पास कुछ है नहीं। उन लोग छोटा छोटा बच्चा को लेके सोशल मीडिया में लेके उसके पास जो लोग उसका नारा लगा रहे हैं उसका अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो अति उत्साहित हैं, बाकी कहीं कुछ है नहीं। भी कम बच्चों का बचा है, प्रचार जोर शोर से चल रहा है, कितनी संभावना है जिसका सारे प्रत्याशी जोर लगा रहे हैं? नहीं यहाँ किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, एक पैसा का सोवा भाग संशय नहीं है। हम लोग जो ये प्रयास कर रहे हैं यह है कि जो प्रचार हो रहा है पिछले बार 2,48,000 वोट से जीते हैं, अगर ये सोच करके प्रयास किया जा रहा है कि कैसे हम 3,48,000 से जीते और इसमें किसी तरह का कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जो मोदी जी के विरोधी वोट है वो दो जगह बट रहा है और हमारा जो वोट है वो एक जगह केंद्रित है, तो पिछले बार से बहुत अधिक मतों से है कि हमारे माननीय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जो NDA गठबंधन के हैं वो जीते। भाजपा आजसू का जो वोट है उसमें तो कोई बिखराव नहीं है? कोई बिखराव नहीं है, आजसू का थोड़ा मोड़ा वोट है कि जातीय कह करके कुछ जुआ लड़का लोगों का थोड़ा मोड़ा कुछ है कि हल्का फुल्का, लेकिन हमारा है कि BJP का वोट बढ़ा है मोदी जी के कार्यों को देख करके, जो 370 धारा समाप्त हुआ, राम मंदिर बना, तो राम मंदिर बनने के कारण हिंदुओं का वोट कुछ और संगठित हुआ पिछले बार के अपेक्षा, लोगों में ज़्यादा रुझान है, ज़्यादा उत्साह है, जो है कि आपका पेशम के सभा में कि दिखाई पड़ा उस उत्साह, और ऐसा उत्साह है कि पहले नहीं नज़र आता था जो अभी उत्साह है। और स्थानीय सांसद का इन कामों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए यहाँ जब हम लोग है कि कॉलेज में स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय लगता था कि काश सेंट्रल स्कूल में पढ़ते, तो चूँकि मैं तो पढ़ लिया, मेरा बेटा भी अब पढ़ने लायक छोटा नहीं है, लेकिन डुमरी में सेंट्रल स्कूल का स्वीकृति मिला है, जो एडमिशन भी चालू हो गया है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो पारसनाथ स्टेशन आज है कि हाईटेक स्टेशन बन गया, धनबाद से भी अच्छी व्यवस्था है, वह है कि सांसद महोदय का देन है, और बहुत सारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोड पुल पुलिया है कि बना है, इनका काम की जितनी सराहना की जाए वो कम है।